सीताराम राजू गारू भारत के शौर्य, भारत के आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक हैं। सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। साथियों, हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इस बार हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मिशन दक्षिण भारत की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि 18 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दक्षिण भारत को लेकर खासतौर पर रणनीति बनाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्यकारिणी में पारित हुए। आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर केंद्रित ये रिपोर्ट। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की 18 साल बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 2 और 3 जुलाई को हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर से करीब 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन देश में अलग अलग राज्यों में कैसे किया जाएगा इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए देश को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे अभियान चलाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा ने अपने राजनीतिक लक्ष्य के साथ साथ केंद्र सरकार की आर्थिक और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उद्घाटन भाषण के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी योजनाओं, सामाजिक उत्थान की उनकी राष्ट्रवादी सोच और सशक्त भारत निर्माण के उनके संकल्प का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र में कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए एक तरफ श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने भारत में
अपने बलिदानों के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की जिसमें नागरिक अगर गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, तो संविधान की परिधि में ऐसे नागरिक का उत्थान हो पाए। जो स्वप्न देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा कि देश में गरीबों का उत्थान हो, महिला का कल्याण हो, युवा को भारत के नवनिर्माण में भूमिका रखने के लिए व्यवस्थाएं दी जाएं, स्वतंत्रता सेनानियों के उस स्वप्न को साकार करने वाली संकल्पबद्ध नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी आज 8 साल के कार्यकाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रशंसा की। अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी प्रशासनिक योजनाओं का, सामाजिक उत्थान के उनके राष्ट्रवादी सोच का, और इस अमृत काल में सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का विशेष रूप से अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष उल्लेखित किया जनधन योजना का, जिसके अंतर्गत 45 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की संगठन को, प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी जी इस अमृत काल में, यह संकेत है कि आदिवासी समुदाय के प्रति हमारे संगठन का समर्पण, महिला नेतृत्व के प्रति हमारे संगठन का योगदान, ये द्रौपदी जी के उम्मीदवारी में प्रतिबिंबित होता है। मिशन दक्षिण भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाएं प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। तेलंगाना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी सरकार की गांव गरीब कल्याण की योजनाएं छाए रहीं और उसको ही लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई है कि वो लोगों के बीच जाएगी और उन्हें बताएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे लोगों के लिए काम कर रही है। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आर्थिक प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में गरीबों की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। हर एक कदम, हर एक फैसला देश के गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने किया है। आर्थिक प्रस्ताव में अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना और अगले 18 महीनों में 10 लाख रोजगार मुहैया कराने की सरकार की घोषणा की भी सराहना की गई। कार्यकारिणी में आर्थिक प्रस्ताव में अगले 25 साल के विकास कार्यों की रूपरेखा तय की गई। इसके तहत 5G, 6G, अंतरिक्ष में शोध, गति शक्ति और बुनियादी ढांचे से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं पर बात की गई। अभूतपूर्व कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की आर्थिक प्रस्ताव में तारीफ की गई है। आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये भी रेखांकित किया गया कि गरीबों के कल्याण के साथ साथ सरकार ने आर्थिक विकास के लक्ष्य पर भी उतना ही ध्यान दिया है।
आर्थिक प्रस्ताव की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पारित हुआ है। इस प्रस्ताव का मुख्य प्रस्तावक देश की सम्माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। इसका समर्थन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के वाणिज्य और शिल्प मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी तथा हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। मित्रों, मोदी जी की सरकार को 8 साल इस बीच में पूरा हुआ है। इस 8 साल की एक प्रकार से जो गवर्नेंस आउटकम निकला है, उसकी दो प्रमुख अनेक आउटकम के उपलब्धि हैं, लेकिन दो प्रमुख आउटकम एक चैलेंजिंग पीरियड के अंदर, जब 2019 में सेकेंड टाइम हम लोग सेवा करने का मौका पाए, कुछ महीनों के बाद विश्व को कोरोना की संकट में संकट झेलना पड़ा। पहले 5 साल और अभी तक का 3 साल में, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण एक प्रमुख उपलब्धि, ऐसे इतिहास रहा है। सरकारें वादे करते हैं, नारा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड आउटकम आज देश के सामने है। 13 में हम लोगों ने गरीब ही हमारी प्रायोरिटी रहेगा, इसे देश के सामने मोदी जी ने वादा किया था। 2014 मई में एनडीए की नेता चुनने के उपरांत पहला भाषण की कमिटमेंट, मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिला, युवा, आदिवासी, दलित, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा, ऐसे वादा किया था। आज 8 साल के बाद जब उसकी हम रिपोर्ट कार्ड, आज भारत में गरीबों की चिंता हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही है। हरेक कदम, हरेक बड़े फैसला, हरेक साहसिक फैसला भारत की गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया। अग्निपथ को भी हमने अप्रिशिएट किया है, जॉब क्रिएशन को भी अप्रिशिएट किया है। आखिर ये गति शक्ति को अगर हम प्रोजेक्ट को सिमलेसली इंप्लीमेंट करा पाएंगे, नया जॉब्स उसमें आ रहे हैं, हम ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, उसमें से जॉब हमारे पास आएगा। इस बीच में हमारी माइंस एंड मेटल सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ी है, उसी में से देश में जॉब आ रही है। ये सारे हमारी जॉब के बारे में इस प्रस्ताव में उल्लेख भी। वहीं भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए देश में जातिवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान किया है। भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और हाल के विधानसभा और अन्य चुनावों में मिली जीत इसे दर्शाता भी है। चुनावी नतीजे विकास और बेहतर प्रदर्शन की राजनीति पर जनता की मोहर को दर्शाते हैं। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट का प्रस्ताव में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित इस मामले के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। SIT की पूछताछ का भी सामना किया, अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति निष्ठा कायम रखी। राजनीतिक प्रस्ताव में भाजपा ने तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में पार्टी के जनाधार का विस्तार करने का संकल्प लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। KCR, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी। आइए सुनते हैं
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले में क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक की बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण का आधार पर लड़ा जाता था, क्षेत्रवाद शरम पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऊपर भी अमित शाह जी ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में तीन मुख्य अंग है। पहले सभी नाम अनाम आज़ादी का सिपाहियों का सम्मान होना। दूसरा, सभी सरकारों का अच्छी कार्य को जनता का समक्ष रखना। और तीसरा, आज़ादी का अमृत काल में हम सब संकल्प ले कि भारत फिर से विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। विपक्ष हमारी इस पहल का भी मखौल उड़ा रहा है लेकिन जनता उन लोगों को नकार दिया है। दरअसल दक्षिण भारत के कई राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से चुनौती बने हुए हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये चार राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपना विस्तार कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के ये चार अहम राज्य पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खास तौर पर दक्षिण भारत को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूं तो केंद्र सरकार से लेकर भाजपा शासित राज्य सरकारों के कामकाज और राजनीति को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में दक्षिण भारत में पार्टी का विस्तार प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहा। कारण, दक्षिण भारत में भाजपा का विस्तार राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भाजपा नेताओं को अब जरूरी लग रहा है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती और तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। उत्तर भारत में अपना अधिकतम विस्तार कर चुकी भाजपा अब अपना विस्तार दक्षिण भारत में चाहती है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भाजपा अपना आधार लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ये समझ रही है कि उत्तर भारत में पार्टी चरम पर है, इसलिए अब फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना राज्य में खुद को मजबूत करने में लगी है भाजपा। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काम और नाम के जरिए अपने आधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए लोगों तक पहुंचाने की रणनीति भी अपनाई। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि आज जब हम तेलंगाना में हैं तो बीजेपी बहुत जगह आगे बढ़ी है। बीजेपी को उसके काम, उसके गवर्नेंस के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण बहुत जनता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं
जहां अभी भी संघर्ष जारी है। और कार्यकर्ता बिना सत्ता की परवाह किए हुए संघर्ष करते हैं, बलिदान करते हैं। और इस दिशा में उन्होंने तेलंगाना की बात की, केरला की बात की, बंगाल की बात की। लोकतांत्रिक सोच है तभी सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट हमने बनाया हमारे प्रयास से। हमारी सोच डेमोक्रेटिक है, लेकिन हां इसीलिए हमने जब प्रधानमंत्री का म्यूजियम बनाया तो देश के सारे पीएम को स्थान दिया, इंक्लूडिंग दोज प्राइम मिनिस्टर्स हु हैड अनलीस्ड फ्यूरी अगेंस्ट आवर पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत से जो दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें ना उस पर हास्य करना है ना व्यंग करना है, हमें सीखना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जो उन्होंने किया। विविधता की शक्ति के साथ हम अपने संगठन के संकल्प को विस्तारित करें देश में। हमारा उद्देश्य P2 से G2 का होना चाहिए, मतलब प्रो पीपल प्रो एक्टिव गवर्नेंस, जनता सापेक्ष सुशासन सापेक्ष हमारे पूरे कार्य पद्धति होनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा की सोच, मतलब जनसमूह को सीधे तौर पर पार्टी का संदेश देना और तेलंगाना की भूमि पर पूरी तरह से चुनावी बिगुल बजाकर आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देना, 2023 में दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में और 2026 में केरल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी का फोकस पूरी तरह से दक्षिण भारत पर है, क्योंकि अब पार्टी की चिंता दक्षिण भारत है। पिछले कुछ दशकों में कर्नाटक ही दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां भाजपा ने जीत हासिल की है, लिहाजा वर्तमान में कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु अभी भी भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम के सहारे अब दक्षिण भारत में अपना विस्तार करना चाहती है। जो गत दिनों में चुनाव के परिणाम आए हैं, खासतौर पे हैदराबाद के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, इसी के साथ साथ जो बाई इलेक्शन दुबक्का का हुआ अक्टूबर नवंबर 2020 में, और एक प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखें तो एक तरफ मुख्यमंत्री की एरिया है, दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों के बीच में दुबक्का पड़ता है, उसको भी बीजेपी ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। इसी के साथ साथ जो हाल में हजूराबाद का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, और अपेक्षा ना होते हुए भी, सामान्य तौर पे मुझे लगता है मीडिया के मित्रों की भी अपेक्षा नहीं थी कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, पूरी सरकार की राज्य सरकार की ताकत लगी भाजपा को हराने के लिए, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से भाजपा जीती। मैं समझता हूँ 2019 के चुनाव से ही TRS का सिलसिला डगमगाने लगा है, 4 सांसद भाजपा के चुन के आए और उसके बाद से एक के बाद एक जो भाजपा की विजय होती जा रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो तेलंगाना की जनता का विश्वास है, जो प्यार है, जो उनके संवेदनशील नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से तेलंगाना की सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उसका एक प्रमाण है। आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो चुका है कि तेलंगाना में बदलाव के बादल आ रहे हैं, बदलाव स्पष्ट और निश्चित होने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि तेलंगाना दक्षिण भारत का एक ऐसा दूसरा राज्य है जहां वो सरकार बना सकती है और उसकी वजह भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीती थीं। हैदराबाद नगर पालिका के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। इसलिए भाजपा को लगता है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना वो एक राज्य हो सकता है जहां कमल खिल सकता है। हालांकि इस राज्य में टीआरएस की सरकार है और टीआरएस जो है वो एक मजबूत स्थिति में खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टीआरएस के खिलाफ परिवारवाद का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का, उसे प्रमुखता के साथ उठा रही है। दरअसल तेलंगाना में 3 मुख्य पार्टियां हैं, टीआरएस जो सत्ता में है, कांग्रेस जिसकी नींव भरभरा रही है और भाजपा जो यहां अपने आप को साबित करने के लिए लगातार काम कर रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के गढ़ हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ टीआरएस के गढ़ में सेंध लगाने की भाजपा की पूरी तैयारी है। इसलिए भाजपा प्रदेश में लगातार अपने एजेंडे को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। एजेंडा वंशवाद, परिवारवाद का विरोध और जन जन तक पहुंचकर दक्षिण भारत में पार्टी का विस्तार। राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रमुख लोगों को नामित करने के मामले में भी भाजपा ने अपने मिशन दक्षिण भारत को दिशा देने की कोशिश की है। खेल, फिल्म, संगीत और समाज सेवा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद अपने अपने क्षेत्रों के साथ गृह राज्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इससे भाजपा ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्यों को राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम के साथ साथ मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जरिए दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने में जुटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।